हेलो फ्रेंड्स, सहारा निवेशकों के भुगतान हेतु एक और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। जी हां दोस्तों, इस बार इस जनहित याचिका को लगाने वाले हैं अभय देव शुक्ला का जो एनजीओ है उनकी तरफ से यह लगाया गया है। एनजीओ का नाम है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। क्या है पूरी खबर, इसकी सुनवाई कब होगी, केस नंबर क्या है, इसका डिटेल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि संयुक्त जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा काफ़ी दिनों से सहारा पीड़ितों के हित की लड़ाई लड़ता आ रहा था। पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा इस बात की काफ़ी चर्चा थी कि बहुत ही जल्द जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा एक PIL दाखिल करने वाला है। इसके लिए काफ़ी दिनों से मुहिम चलाई जा रही थी। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की गई है। कल 17 सितंबर को शाम को 4 बजे यह जनहित याचिका संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के नाम से दायर की गई है। इसमें जो अधिवक्ता है उनका नाम है एडवोकेट परमिंदर सिंह भूलर और इसका डायरी नंबर है 42852/2024। डायरी नंबर लिख लीजिए 42852/2024। यदि कभी आपको इस केस का कोई रेफरेंस जानना हो तो आप लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि कौन पार्टी है, किस कौन रेस्पोंडेंट है, कौन पिटिशनर है। सारा डिटेल आपको सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर मिल जाएगा। फिलहाल तो अभी इसका सिर्फ डायरी नंबर दिया गया है, अभी केस नंबर अलॉट नहीं हुआ है। अभी इस जनहित याचिका को काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहारा निवेशकों के सहारा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक सीढ़ी चढ़ता हुआ दिख रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत ही जल्द इस रिट याचिका को, इस PIL को एक केस नंबर देगा और सुप्रीम कोर्ट इसे सुनवाई के लिए भी लिस्टेड करेगा। हालांकि इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को की पूरी होने के बाद ही इसकी लिस्टिंग हो पाएगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत ही जल्द इसका केस नंबर देकर इसका लिस्टिंग डेट दे दिया जाएगा। साथ ही साथ इस संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से जुड़े लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा कि आखिर उनके संघर्ष की घड़ी के बाद अब एक जनहित याचिका आई है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जानी चाहिए कि चाहे ये जनहित याचिका हो या फिर दूसरी जो रिट याचिकाएं लगाई गई हैं उन सब में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सहारा निवेशकों के दुखों को समझेगा, उन सहारा पीड़ितों की बातों को समझेगा और न्याय देने का बात करेगा। बहुत